वेलकम फ्रेंड्स, ये है वैगन आर 2010 मॉडल। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें हाई आरपीएम रहते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आइडलिंग में रहते हैं, तब इसके आरपीएम 2000 के ऊपर जाते हैं। जब आपके आइडलिंग आरपीएम हाई रहते हैं, तब आपका ईंधन वेस्ट हो जाता है और गाड़ी भी हीट हो जाती है ज़्यादा। इस गाड़ी के नॉर्मल आरपीएम 800 के आसपास है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब 1000 जाते हैं और उसके बाद में 800 आरपीएम रहना मांगते हैं। अगर आपके आरपीएम 800 के आसपास नहीं रहते हैं तो गाड़ी में कोई फॉल्ट है। तो मैं आपको स्कैनर में दिखाता हूँ इसके आइडलिंग आरपीएम कितने रहते हैं। तो यहाँ लाइव डाटा में कुछ पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं। इंजन स्पीड हमारा मेन है और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, टोटल पोजीशन। इसका अल्टरनेटर बेल्ट भी ख़राब है, आवाज़ कर रहा है, इसको भी बदलना होगा। स्क्रीन में थोड़ा ग्लेयर है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंजन स्पीड 2000 के ऊपर है। मैं यहाँ स्टिल करके दिखाता हूँ इमेज। तो आप यहाँ देखो, आरपीएम 2297 है आइडल में। यही इसका प्रॉब्लम है। और टोटल पोजीशन देखो, ज़ीरो है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक्सलेटर पे पाँव नहीं है मेरा। ये आइडलिंग आरपीएम है इसके। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है बराबर, माफ़ी चाहता हूँ। अभी यहाँ देखो आप, बराबर आरपीएम अभी देख सकते हो। और टोटल पोजीशन देखो, ज़ीरो है। ये प्रॉब्लम आईएसी वाल्व में है। आईएसी यानी कि आइडल एयर कंट्रोल वाल्व, ये टोटल बॉडी में होता है। वो कभी कभी स्टक हो जाता है कचरा भरने के बाद। अगर कभी कभी एयर फिल्टर बराबर टाइम भी नहीं चेंज किया तो एयर फिल्टर में से कचरा जाके इस वाल्व में स्टक हो जाता है और ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए मुझे पूरा टोटल बॉडी खोलना पड़ेगा। यहाँ टोटल बॉडी निकाल दिया। ये है मैप सेंसर। और ये है टोटल पोजीशन सेंसर। और ये आइडल एयर कंट्रोल वाल्व इस हिस्से में रहता है। अंदर देखो, काला काला हुआ है, बहुत कचरा है, इसके कारण ये स्टक हो जाता था। इसको अभी खोलते हैं। और ये वाल्व का मोटर है, मैंने फ्री कर दिया एकदम क्लीन करके। अभी देखो एकदम फ्री घूम रहा है, इतना फ्री रहना मांगता है। ये कंट्रोल वाल्व की गास्केट है, इसको बिठाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये खोलने के बाद फैल जाती है। इसको अभी हम फ्रिज में रख देते हैं आधा घंटा और उसके बाद में ही बिठा देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी साइज़ थोड़ी कम हो जाएगी और बराबर बिठेगा। अगर आप ये गास्केट बिठाना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें सिलिकॉन बराबर भर के फिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अभी फ्रिज में रख देते हैं और आधा घंटा बाद निकाल देते हैं। और टोटल बॉडी पूरा असेंबल करके गाड़ी में बिठा दी। और यहाँ अल्टरनेटर बेल्ट भी चेंज कर दिया। देखो अभी गाड़ी का आरपीएम एकदम नॉर्मल है। और अभी चेक करते हैं स्कैन टूल से लाइव डाटा में आरपीएम कितने आते हैं नॉर्मल। यहाँ मारुति में जाते हैं, डायग्नोस्टिक इंडिया, नहीं इस मेनू में नहीं, सुजुकी में ओल्ड मेनू में देखते हैं। अभी वैगन आर, यहाँ लाइव डाटा में इंजन स्पीड, टोटल पोजीशन, इंटेक एयर टेम्परेचर और डिज़ायर्ड आइडल। डिज़ायर्ड आइडल का मतलब होता है कितना आइडल स्पीड चाहिए वो।
और अभी यहाँ देखो इंजन स्टार्ट करते ही आरपीएम 1000 के ऊपर गए और कुछ सेकंड के बाद नॉर्मल में आ गए। ऐसा होना चाहिए जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब। स्कैनर डिसकनेक्ट हो गया, फिर से कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ देखो डिज़ायर्ड आरपीएम 800 के आसपास है, 799 दिखा रहा है, मतलब 800 के आसपास है। और हमको अभी आरपीएम भी मिल रहा है 800 के आसपास, 797, इसका मतलब 800 के आसपास है। अभी हमारा डायग्नोसिंग पूरा हो गया। बस आज के वीडियो में इतना ही। आपने देख लिया, अगर आपकी गाड़ी रेस करती है खामोखाम कुछ किए बिना, तो ये प्रॉब्लम आपके गाड़ी में है, इसको तुरंत ही डायग्नोस कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।